हम जो कह रहे सुनाई नहीं पड़ रहा क्या होगा भाई? अंकल जी जो है सूर्य भगवान को धकेल रहे हैं। क्या होगा ये भाई? एक्सीडेंट हो गया। हमको तो लगता था कि दुनिया सो रही है लेकिन हम सो रहा है। और भाई यही देखना था, ये देखना था सनराइज। सफाई कर रहो? बढ़िया है, करे रहो। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सुबह जल्दी उठे, जल्दी कैसे उठ सकता है? 4:48 हो रहे हैं क्योंकि आज रात को एक सपना आया, बहुत बुरा सपना था। वो सपने जो है बताए नहीं जाते हैं तो हम नहीं बताएंगे आप लोगों को। गोप्रो जो है चार्ज हो रहा है। कल भाई बहुत बुरी चोट लग गई थी, ये बॉटल भर ली है, गोप्रो ले लिया है। प्लान में थोड़ा चेंजमेंट है, हम जा रहे हैं राइड करने के लिए। सुबह सुबह का समय है और हमारी साइकिल भी रेडी है। यहाँ भी सुन इंसान पड़ा हुआ है, इधर भी सुन इंसान पड़ा हुआ है। साइकिल उठाते हैं और निकलते हैं। हमने कहा कि भाई चलते हैं सनराइज़ देखेंगे, और सनराइज़ सबसे बेस्ट दिखेगा भाई गंगा बैराज में। निकलते हैं, अब देखना है कितनी देर में पहुँचते हैं। मेन बात ये है, बाकी ये लाइट्स वगैरह देख रहे हैं आप लोग भाई, लग चुकी हैं बस किनारे किनारे, हर ही जगह लगी क्योंकि बहुत ये सस्ती पड़ जाती है, चीप कॉस्ट होती। गाइस फिलहाल तो अभी आपका भाई निकल चुका है भाई गंगा बैराज की ओर सुबह सुबह साइकिल से, क्योंकि भाई थोड़ा सा वर्कआउट भी हो जाएगा। मेन बात वर्कआउट हो जाएगा मेरा, और बाकी घूमने का तो इतना मोटिव नहीं है। लेकिन भाई आप लोग देख सकते हो सुबह सुबह कितना ज़्यादा मतलब लोग जागरूक हैं भाई। हमको तो लगता था कि दुनिया सो रही है लेकिन हम सो रहे होते हैं भाई। इतना ज़्यादा मतलब ट्रांसपोर्ट का काम चालू हो जाता है भाई सुबह 4 बजे से, तो भाई ट्रक वगैरह बहुत जाते निकलते रहते हैं। बाकी तो अभी धीरे धीरे बताते रहेंगे भाई क्या इसी ने रखा है। हनुमान चालीसा सुनते हो, मस्त जा रहे हैं। जय श्री राम। गाइस पुल से तो भाई ऐसा डर लगने लगा है। और भाई देखो सफाई हो रही भाई कानपुर में। भाई भैया सफाई कर रहो? बढ़िया है, करे रहो। कानपुर में सफाई होना बहुत बड़ी बात है। फिलहाल देख रहे हो आप लोग पुल जो होता है ना भाई, पुल से तो डर इस वजह से लगने लगा है क्योंकि इतनी राइड करी है, उतना भाई अप हिल्स चढ़ा है ना, अप हिल्स तो मज़ा नहीं आता है भाई। लेकिन जो अप हिल्स होता है ना भाई, अप हिल्स में मतलब वर्कआउट बहुत सही हो जाता है। आपके पैर के जो ऊपर के काफ भी बनता है, बाकी बहुत कुछ बनता है भाई। भाई फाइनली चढ़ गए भाई। मैं इसकी बात कर रहा था, अगर इधर से जाओगे तो आप उधर जाना पड़ेगा, अगर इधर से आओगे तो आपको जहां आपको जाना वहीं जाना होगा। मतलब कहने का मतलब है कि उधर से जाओगे तो आपको वो लोकेशन नहीं मिलेगी जहां हमें जाना है। फिलहाल तो ये डिवाइडर्स वगैरह लग गए और इतनी सी जगह सबको मिली है। और देखो पुलिस वाले अंकल जो हैं लगे हुए मस्त सही कर रहे हैं भाई। रोज़ से सही होते हैं, रोज़ बिगड़ते हैं रोज़ सही होते हैं। क्या होगा ये भाई? एक्सीडेंट हो गया लगता है, हमें तो लग रहा भाई शीशा टूट गया भाई। बस लड़ गई थी उधर, बाकी क्या ही व्यू हो रखा है गाइस। सुबह सुबह का समय और हनुमान चालीसा और हम भाई अजी अच्छा लगता है जब अकेले सोलो राइड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जो आपको बोलना है वो आप लोग के साथ बोल पाओ, और भी जो सीन है वो भी हो सब हो पाता है भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई। प्लान में थोड़ा सा गाइस चेंजमेंट है। प्लान में चेंजमेंट ये है कि आप लोग से बात करते करते भाई मैं रास्ता ही भूल गया था गंगा बैराज का। गंगा बैराज का रास्ता 12 देवी होते हुए है, लेकिन अब प्लान में चेंजमेंट ये है कि अब हम जा रहे हैं भाई आनंदेश्वर सुबह सुबह, और कोशिश ये करेंगे कि हम रोज़ आनंदेश्वर का प्लान बनाएं। और देखो बंदर, तो फिलहाल तो अभी ये जो पुल है उसका अप हिल चढ़ रहे हैं, फिर डाउन हिल आएगा तो मज़ा आएगा। बाकी भाई देखो सुबह सुबह जो है भाई ट्रेन वगैरह देख ली, कुछ देर बाद ट्रेन अड्डा देख लेंगे, मतलब कानपुर सेंट्रल देख लेंगे भाई साहब। कोई भी राइडर अगर राइड करता है तो पानी की बोतल अपने पास जरूर रखे, क्योंकि भाई पानी की बोतल रहती है तो आपके पास एक बहुत बड़ा एनर्जी ड्रिंक रहता है। और अभी हम कहीं रोक करके थोड़ा सा पानी पियेंगे, क्योंकि
चार किलोमीटर नहीं, 3.5-4 किलोमीटर की राइड कर ली है ना, तो इस वजह से पानी पीना बहुत ज़रूरी हो जाता है भाई। जल्दी से मेट्रो बन जाएगी तो जो भी कानपुर आ रहा है उसके लिए भाई सुविधा हो जाएगी, और हमारा कानपुर वो कानपुर नहीं रहेगा जो पहले हुआ करता था 10 साल पहले। लेकिन हाँ, सफाई और हो जाए बस। भाई साहब इनको देख के बोल पाएंगे क्रॉप्स बहुत है भाई। फिलहाल तो हमको सनराइज देखना था, यहाँ पे मेट्रो के पास ही हमको भाई दिख गए भगवान जी। लेकिन और यहाँ पे भाई अपना जो है भाई मिल गया। और भाई कहाँ जा रहे थे? नहीं भाई, अपने काम पे जा रहे थे रोज की तरह भाई। अच्छा, रोज की तरह काम से भाई पहचान गया था भाई। ऐसे ही बाल रखने हैं लेकिन पता नहीं रख ही नहीं पाते। बढ़िया लग रहा हूँ भाई। बहुत लोग मिल जाते हैं, मतलब जो हमको जानते हैं। हमारे लिए तो गाइस अभी ही बहुत हैं, बहुत लोग जो हमको जानते हैं भाई। तो फिलहाल अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और अभी हम आ चुके हैं भाई परमट के पास। बाकी जहाँ पे हमको सनराइज़ देखना था, बट अभी भी है सनराइज़, चाहे तो देख सकते हैं। जल्दी चलना पड़ेगा बस, तो चलते हैं। और बाकी तो आप लोग सपोर्ट करते ही हमको। जय 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 बजरंग बली। थोड़ी सी आवाज़ मैनेज कर लेना, मतलब गाना सुन रहे हैं तो बोल रहे हैं भाई। बाकी ये है भाई ग्रीन पार्क। अब कोशिश यही करेंगे कि हम अपने ब्लॉग्स में अपने जो सुबह का दिनचर्या होता है ना, सुबह उठ के जल्दी से यहाँ वाला राइड करना, क्योंकि हमको बहुत ज़रूरी है। मेंटली थोड़ा सा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना चाहते हैं भाई, थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो गए हम। के हैं अपने बाबा के पास, भोलेनाथ भगवान जी के पास, तो सीधे नहीं भाई इधर चलेंगे भाई। बाकी तो अब मैंने डिसाइड कर लिया है, 7 दिन पहले करते हैं, 7 दिन का रखते हैं, 7 days आई विल कम इन हियर। बाकी तो भाई सब सही है, दूध दही है भाई गंगा जी। OMG भाई, यही देखना था, ये देखना था सनराइज। अभी उतरते हैं आराम से। ओ आराम, साफ सफाई भी हो रखी है भाई। बाकी ये देखना था आपके भाई को। भाई अंकल जी जो हैं सूर्य भगवान को धकेल रहे हैं। हम जो कई लोग सुनाई नहीं पड़े क्या हो? नहीं अभी तो नहीं गा रहे, वो 40 सुन रहे हैं ना, हनुमान 40। नहीं इसको लगा लेते हो, बाहरी आवाज फिर नहीं आती। नहीं तो बोलो जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। मतलब कोई दिक्कत हो गई थी सुबह सुबह? मेरा माइंड वैसा रहता है, फ्रेश करने के लिए हम गाने सुनते हैं भगवान जी के। सीताराम भजो बस, सीताराम तो बजते ही। फिलहाल अभी चल रहे हैं घर। इतने दिनों बाद राइड करी तो आज पता नहीं अजीब सा लग रहा। पानी पूरा एक बोतल तो ख़त्म ही हो गया भाई। पानी बहुत पीते हैं राइड करते जब, क्योंकि भाई राइड में पानी पीना बहुत ज़रूरी है, इससे कि भाई डिहाइड्रेशन नहीं होगा आपको। बाकी तो ये साइकिल खड़ी है और ये मेट्रो बन रही है। बाकी सूरज भगवान जी को देखना था और वो आप इतने अच्छे से दर्शन दे रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल धीरे धीरे जितनी राइड अभी करी उतनी और करनी है, फिर पहुँच जाएंगे घर। तो अभी हम जिस पुल पे हैं उसके नीचे है भाई रेलवे का कारकार, मतलब रेलवे आती जाती रहती है। गाइस घर आ गए हैं, सुबह हम निकले थे 5:30 बजे, अभी टाइम हो रहा है 7:27 हो रहा है, और फाइनली जो है भाई घर आ गए। अंदर चलते हैं और जल्दी से चलते हैं भाई, पहले कुछ खाते हैं और फिर निकलते हैं भाई जिम की ओर। फिलहाल गाइस कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि वो वाला जो टी शर्ट थी वो पूरी मतलब पसीने से जो है स्वेट से भीग चुकी थी। फिलहाल अभी जूते पहन करके पूरा गेटअप हो गए हैं, अब चलते हैं भाई जिम। सुबह का समय है और अभी गाड़ी वाला आ गया, कचरा निकाल, तो आप लोग भी निकालो। सुबह का व्यू कुछ अलग था, अभी का व्यू कुछ अलग है। और 8:10 के बाद अभी हम जा रहे हैं भाई जिम। बाकी तो अगर होता क्या है कि
एक दो दिन बूस्ट अप रहते हैं हम बिल्कुल तगड़े से, फिर एक समय आता है कि हम बूस्ट अप नहीं रहते, हम पड़े रहते हैं। कि आज गए हैं भाई जिम और साइकिल वगैरह। भाई अभी साइकिल में एक नुकसान हो गया गाइस, अभी अंदर चलते हैं बताते हैं। भाई हमको बटरफ्लाई करनी है और ऐसा भाई साहब लग रहा है बटरफ्लाई भाई वेट बढ़ा इस तरीके समझ लो आप, वेट बढ़ाते हैं और फिर करते हैं भाई। Tomorrow 42 lbs. 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 42